मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाएं, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। पार्लियामेंट में बहस आई एक दिन, और बहस ये चली कि 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन के कब्जे में चली गई, तो पंडित नेहरू ने जवाब दिया कि चले जाने दीजिए, वो जमीन तो बेकार थी, उस पर कुछ होता नहीं था, घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, वो सारी की सारी बंजर जमीन थी। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खड़े होकर पूछा कि पंडित तब तो तुम्हारी खोपड़ी भी बेकार है, क्योंकि इस पर एक घास का तिनका नहीं। अगर हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर घास का एक टुकड़ा नहीं है तो क्या काट के हम दूसरों को दे देंगे? तो इस हिसाब से तुम्हारी खोपड़ी भी काट के दे दो चीन को, क्योंकि इस पे एक भी बाल नहीं उगता, यह भी बेकार हो गई है। पंडित नेहरू के पास कोई जवाब नहीं था, और वो समस्या जस की तस है। आज तक हम चीन की सरकार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तय नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी त्रासदी इस देश की है। हमारी विदेशी कूटनीति की सबसे बड़ी विफलता अगर पिछले 50 साल में कोई है तो चीन की सरकार के साथ हम हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं खींच पाए। वो एक लाइन है जिसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, वो मैकमोहन लाइन बिल्कुल इमेजिनरी है, जमीन पर कहीं नहीं, और आज तक यह तय नहीं हो पाया कि यह चीन का हिस्सा है कि यह भारत का हिस्सा। वैसी स्थिति में चीन बराबर धमाके करता रहे और पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी बेचता रहे। पाकिस्तान ने गौरी का परीक्षण किया, हमसे पहले किया, और चीन की सरकार ने घोषणा की कि हमने उनको मदद की है। अमेरिका के CIA के लोगों ने कहा कि उन्होंने मदद की है, बिना उनकी मदद के ये नहीं है। तो भारतीय वैज्ञानिकों को लगा तो उन्होंने भी कुछ किया। अब वो गलत है सही है ये एक अलग बहस का प्रश्न है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बहस ये है कि अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं।